ऋषभदेव प्रभु को जब केवल ज्ञान हुआ तब तत्काल भरत महाराजा मरुदेवा माता के पास आए। मरुदेवा माता की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। मरुदेवा माता यानी ऋषभदेव प्रभु की माता। ऋषभदेव प्रभु के द्वारा दीक्षा अंगीकार करने के बाद वे निरंतर रोती रही। निरंतर रुदन के कारण उनकी आंखों का तेज भी लगभग समाप्त हो चुका था। युग कोई भी हो, जमाना कोई भी हो, लेकिन एक माता का अपनी संतान के प्रति मोह कभी भी बदल नहीं सकता। मरुदेवा माता निरंतर यही सोचती रहती थी कि मेरा बेटा इस पृथ्वी, प्रजा, लक्ष्मी आदि को तृण की भांति यानी कि घास की तरह छोड़कर चला गया। पता नहीं अब वह कैसी स्थिति में जी रहा होगा, किस हाल में होगा। वाहनों का त्याग कर पैदल चलता है, दिव्य भोजन का उसने त्याग कर दिया है। एक समय था जब सुवर्ण रत्नों के सिंहासन पर आसीन होता था और अब कांटों से भरे जंगलों में घूमता है। मेरा बेटा कितने कष्ट सहन कर रहा है। इस प्रकार ऋषभदेव प्रभु के कष्टों को याद कर मरुदेवा माता निरंतर आंसू बहाती। भरत महाराजा ने कहा, माता जी आप निरंतर अपने पुत्र के कष्टों का वर्णन करती रहती हो, अब आप मेरे साथ चलिए। अपने पुत्र की समृद्धि अगर आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। अब तो वे तीन लोक के स्वामी बन चुके हैं। ऐसा कहकर भरत महाराजा ने मरुदेवा माता को हाथी पर बिठाया और क्रमशः समवसरण की दिशा में आगे बढ़ने लगे। कुछ दूरी पार करने पर जैसे ही दूर से समवसरण दिखाई देने लगा, भरत महाराजा ने मरुदेवा माता को कहा, माताजी देखिए, देवताओं ने प्रभु के लिए समवसरण की रचना की है। प्रभु रत्न के सिंहासन पर आसीन है। आकाश में देवतागण दुदुम्बी का नाद कर रहे हैं। इंद्र भी बिना थके प्रभु की स्तुति गुणगान कर रहे हैं। भरत महाराजा की इन बातों को सुनकर मरुदेवा माता के हर्ष का कोई पार नहीं रहा। आनंद के आंसुओं से नेत्र भर आए। मरुदेवा माता ने अपने नेत्रों से ऋषभदेव प्रभु की अतिशय सहित तीर्थंकर पने की समृद्धि देखी और उसी समय वह शुभ ध्यान की धरा में लीन बन गई। तुरंत मरुदेवा माता क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हो गई और मात्र अंतर मुहूर्त में समस्त घाती कर्मों का क्षय कर केवली बन गई। आयुष्य अत्यंत ही परिमित होने से उसी समय अघाती कर्म भी नष्ट हो गए और मरुदेवा माता अंतकृत केवली हो गई, यानी 48 मिनट के अंदर केवल ज्ञान पाकर सिद्ध हो जाना। अभी तक ऋषभदेव प्रभु ने चतुर्विध संघ की स्थापना भी नहीं की थी और उसके पहले ही मरुदेवा माता मोक्ष में चली गई। इस अवसर पीणी काल में सर्वप्रथम साधु और तीर्थंकर ऋषभदेव प्रभु हुए, परंतु सर्वप्रथम सिद्ध बनने का श्रेय तो मरुदेवा माता को ही मिला। तत्काल देवताओं ने मरुदेवा माता की देह का सत्कार कर उसे क्षीर समुद्र में डाल दिया। तभी से लोक में मृतक का पूजा सत्कार प्रारंभ हुआ। यह पूरा प्रसंग हमने देखा, लेकिन शायद कई लोगों का ध्यान एक बात पर नहीं गया होगा, प्रभु के दर्शन का महत्व कितना। पिछली प्रस्तुति में हमने देखा था कि बाहुबली जी को कितना पश्चाताप हुआ था। भरत महाराजा ने चक्र रत्न की पूजा को छोड़कर केवल ज्ञान को प्राप्त हुए ऐसे ऋषभदेव भगवान के दर्शन करने का निर्णय लिया। अब सोचने जैसी बात यह है कि मरुदेवा माता जो पुत्र मोह में निरंतर रुदन के कारण जिनकी आंखों का तेज भी लगभग समाप्त हो चुका था, ऐसी माता को बिना कुछ किए सिर्फ परमात्मा के दर्शन मात्र से केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, मोक्ष प्राप्त हुआ। पहले तीर्थंकर भले ही ऋषभदेव हुए हो, लेकिन उनके दर्शन से प्रथम सिद्ध मरुदेवा माता हुए, तो ऐसे परमात्मा के दर्शन का महत्व कितना होगा। तो कल अगर कोई हमसे पूछे कि भगवान के दर्शन से क्या होता है, या बार बार भगवान के दर्शन क्यों करने, भगवान तो हर जगह है, फिर मंदिर जाकर दर्शन क्यों करना, तो उन्हें हम यह प्रसंग बता सकते हैं। एक और मरुदेवा माता के निर्वाण से भरत महाराजा को शोक हुआ, बहुत दुख हुआ, तो दूसरी ओर अपने पिता ऋषभदेव प्रभु के दर्शन से भरत महाराजा के हर्ष का कोई पार नहीं रहा। हाथी पर से नीचे उतरकर उत्तर दिशा से समवसरण में प्रवेश किया। प्रभु को तीन प्रदक्षिणा देकर अत्यंत भावपूर्वक प्रभु की स्तुति की। तीन लोक के नाथ देवादिदेव ऋषभदेव प्रभु ने वैराग्य वाहिनी धर्म देशना प्रारंभ की। इस देशना को सुनकर भरत महाराजा के पुत्र ऋषभसेन आदि अनेक ने दीक्षा अंगीकार की। प्रभु ने ऋषभसेन यानी पुंडरिक आदि 84 दीक्षितों को गंधर्व पद पर स्थापित किया। भरत के अन्य 500 पुत्रों एवं 700 पौत्रों ने भी दीक्षा स्वीकार की। भरत पुत्र मरीचि ने भी दीक्षा स्वीकार की। भरत महाराजा की आज्ञा प्राप्त कर ब्राह्मी ने भी दीक्षा स्वीकार की और वह प्रथम साध्वी बनी।
प्रभु की देशना सुनकर सुंदरी भी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई थी, परंतु भरत महाराजा के द्वारा इनकार करने से वह दीक्षा नहीं ले सकी। लेकिन उन्होंने श्राविका धर्म स्वीकार किया। इस प्रकार प्रभु ने चतुर्विध संघ की स्थापना की। ब्राह्मी के साथ साथ सुंदरी भी दीक्षा लेना चाहती थी, आज्ञा नहीं मिली। इसके बाद भी सुंदरी ने दीक्षा लेने के लिए क्या किया, वो हम देखेंगे अगले भाग में। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिन शासन, जय महावीर।